यार मेरा एक टीएल है, ठीक है, आज उसको रोस्ट नहीं फ्राई करेंगे, और ऐसा फ्राई करेंगे कि उसके अंदर तो गोश्त है नहीं, हड्डी जो है वो भी गल जाए और स्वादिष्ट लगे खाने में, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आइए देखते। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप कि सब लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अपन कतई नहीं मस्त है, नहीं स्वस्थ है, और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, इतना ज़्यादा एंग्री है कि बता नहीं सकते आपको बिकॉज वाई। वो रीज़न है ना सारा टीएल, बहुत ही बड़ा चूतिया किस्म का बंदा है यार, क्या बताऊँ। जितना भी इग्नोर करना चाहूँ ना, इग्नोर होता ही नहीं है यार। उसके बात को अपन सोचते हैं भैया जी, उसका बात और घोड़ा का बात एक है सर मेरे लिए, ठीक है। वो दोनों सारा सेम है, ठीक है, अपन उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, बट सारा हो नहीं पा रहा बिकॉज वाई की कितना बताऊँ ना। उसके बात को तो इग्नोर कर रहे हैं, बट सारा जाके बैक बीचिंग कर रहा है सर के पीछे, ये लौंडा गाना सुनता रहता है, ये लौंडा बात नहीं करता सही से। अरे बेनिफिट बताने को तो पूरा खतियान उलट के रख दूँ बेटे, बट तुम्हें देने में दिमाग में भेजा नहीं है, भेजे में दिमाग नहीं है, कहाँ से समझेगा तू, क्या बताऊँ। अब शब्द यूज़ हो रहा है मेरा, बट अब शब्द यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि भैया जी अपन हो गए हैं थोड़ा सा संस्कारी बॉय, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँगा, अरे यार प्रॉब्लम होगा वो सर डायरेक्ट मेरे से बात करेंगे, तू क्यों बकचोदी जाके बैक पिचिंग कर रहा है, तू साले अपना काम करना, तेरा जो काम है वो काम कर। ज़्यादा दिन तक इसके आगे मैं नहीं भैया जी रहूँगा इसके टीम में, ठीक है, इसके टीम में ज़्यादा दिन तक रहा, अपन नौकरी छोड़ देंगे यहाँ से, जॉब अपने लिए जॉब मिलना ऐसा है ना, जॉब छोड़ने से ज़्यादा आसान है, ठीक है बेटे। तू भी देख वीडियो को जाके और सुन, तेरे ही बता रहा हूँ। आई एम वेरी एंग्री मैन, मैं बहन सब एक कर कर मैं क्या बोलूँ इसे, फक ऑफ दिस शिट। भैया जी तुम जितने लेवल पर हो ना, जैसे जैसे तेरे जैसे धमकी वमकी जो दे रहा है ना कि ये वो कर लो, लंद फंड कर लो, भैया जी ऐसे ऐसे अपन करके छोड़ दिए हैं। तू 10 को संभाल रहा, अपन 50 को संभाल के छोड़ दिए हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हैंडल अपने को मत सिखा कैसे करते हैं कैसे नहीं, साला जब भी कॉल पर रहता हूँ साला आके बकचोदी ही पेल देगा, वो घंटा समझेगा, वो साला कस्टमर ही भड़क जाता है, घंटा उन्होंने समझेगा। चला जब भी कॉल पे रहूँ, कॉल के बीच में आके बोला पिकअप चाहिए पिकअप चाहिए, अब पिकअप ना हो गई कि भैंस की आँखी हो गई है, क्या बोलूँ। इस चूतिए बंदे को निकालो यार यहाँ से, और इसे कुछ समझाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये साला बात करने का तरीका तुम्हारा ठीक है चलो, बट यार थोड़ा व्यवहार सीखो, व्यवहार में अपने थोड़ा बदलाव लाओ, ऐसे नहीं होगा। कुछ भी पेल दिए, कुछ भी साला बक रहे हैं, बके जा रहे हैं, साला टीएल ना हो गए, बवासीरी हो गए हैं, साला तुमसे सारा हर बंदा नफरत ही कर रहा है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो। साला पहले भी पिकअप बनती थी ना, 3 दिन से क्यों नहीं बन रही है, सॉरी 2 दिन से क्यों नहीं बन रही है, तुम्हारे लिए नहीं बन रही है बहस किया, पहले बनती थी ना हर पड्डे बनती थी 2-3, बट साला आज जब से तुम्हारे टीम में आया साला चूतिया ही है। बताओ किस में दोस्त है, मेरे में दोस्त हुआ कि तुम्हारे में दोस्त हुआ, पहले बनती थी अब नहीं बनती जब से तुम्हारी टीम में आया है, क्योंकि तुम चूतिया बंदा है। साला समझो अपने बात को, अब भेजे मैंने घुसाओ। साला मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस बंदे से, फिरना नहीं चाह रहा था, साला चूतिया इग्नोर किए जा रहा हूँ, बट मेरे को तब गुस्सा चढ़ा जब जाके ये सर के यहाँ पर मेरा बैग बिकिंग कर रहा है ना, तब मेरे को गुस्सा उठा। फक ऑफ दिस शिट, नेवर एक्सपेक्टेड मैन, ऐसे बंदे को साले को रोज नहीं फ्राई करो और हड्डी वड्डी सारे गला दो। फक ऑफ दिस शिट, नेवर एक्सपेक्टेड मैन, यार तुम अपने लिए करो ना, तुम दूसरे के पीछे काहे पड़ रहे हो। वो सर को लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम, और सर का मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बट जब जैसे ये बंदा ज़्यादा उड़ेगा ना, मैं पंख काट दूंगा, ठीक है, मेरे को फिर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कौन बंदा क्या है, ठीक है। फक ऑफ दिस शिट यार, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी मौका है, दे रहा हूँ मैं, सुधर जाओ, वरना तेरे जैसे लौंडे को ना ज़्यादा मारते कम है, घसीटते ज़्यादा है। संस्कार एक बॉय बनो यार, फकअप, ये बकचोदी पहनने से कोई टीएल नहीं बन जाता, बार बार आके बकचोदी पहन लाओ, ऐसे कोई टीएल बनता है, साला चुप दिया बंदा। फक ऑफ दिस शिट, ये सब मैं बोलना नहीं चाह रहा था। इस बंदे ने आज मेरे को जलील किया है और सारे के सामने जलील किया है, यह मेरा रिस्पेक्ट है भाई, यह सर जी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके सामने जाके बकचोदी पहन रहे हो, बैक बीचिंग कर रहे हो, गाना सुनता रहता है, बताओ गाना का क्या लेना देना है। चूतिया बंदा, अब वो कल तो साला अलग ही लेवल का ये कर दिया, साला चूतिया बंदा, कल बोल रहा है कि इसे बेनिफिट ही नहीं पता है, सीधा बोलता है वेरिफिकेशन कॉल आएगा, अबे चूतिया समझ, तू बात कर रहा था मैं बात कर रहा था, मेरे को पता है तेरे को पता है ज़्यादा, चूतिया साला। फक ऑफ दिस शिट यार, बंद करो वीडियो को, अपने से ना होगा यार, रंडी रोना रोते रोते साला तंग आ गया है, फक ऑफ दिस शिट बंद करो यार। फ्यू मोमेंट्स लेटर, और इस जैसे चूतिए बंदे को अपने बस की बात है नहीं छेड़ना, तुम लोग कमेंट में बताओ इस बंदे के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को ये टीएल नहीं बवासीर समझता है, बिकॉज के भैया जी ये जहाँ पर रहेगा ना बंदा तो छोड़ो,
साला मोटिवेट के नाम पर ये धप्पा है, ये साला मोटिवेट के नाम पर डीमोटिवेट करता है, भौंकता है कुत्ता जैसे भौंकता है ना वैसा ही भौंकता है साला। आके साला क्या बोलूँ, फक ऑफ द शिट, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। जो बोलना है तुम लोग कमेंट में बताओ, क्या बंदा क्या नहीं है सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर इस पर मैं वीडियो बनाना चाहूँ ना 4 घंटे लग जाएंगे, फिर भी पूरे ख़त्म नहीं होगा। मेरे पास इतना शब्द है, इतना भरा हुआ मैं अंदर से, अच्छे सजेशन दो इसे ताकि इसका दिमाग जो है घुटने से बाहर आके कम से कम ठोने वाने तक पहुंचे। ब्रेन में तो बाद में जाएगा, पहले घुटने से बाहर आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है बेटा, तू जो करता है ना उसे भौंकना कहते हैं, मोटिवेट करना नहीं कहते हैं। भेजे में घुसाओ और कहीं भी अगर है अखल वकल तो डालो। हाले कुत्ते।